हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम पिक्चर टू चेंज करने का प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे पिक्चर टू नया लेने से पहले क्या क्या चीज आपको ध्यान रखना जरूरी होता है, यहाँ पे मैचिंग का यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम आता है, पिक्चर मैचिंग और यहाँ पे बॉडी पर जो फिटिंग होता है वो भी यहाँ पे मैचिंग नहीं होता है। तो क्या क्या चीज आपको ध्यान रखना होता है, पहले तो इसका जो बॉडी फिटिंग है उसका जो चारों तरफ जो स्क्रू है उसका जो ब्रैकेट लगा हुआ है वो सही है कि नहीं, उसका जो भी नाप है एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। आप जो नया ट्यूब लोगे, नया तो अभी नहीं मिलता, पुराना ही आपको वैसे ही देख के लेना होता है। और उसके साथ इसका साथ जो योक कॉयल है उसको भी मैचिंग कराना पड़ता है। उसके साथ अगर नया आप जो पिक्चर ट्यूब लोगे उसके साथ अगर मैचिंग नहीं हुआ तो यहाँ पे आपका पिक्चर छोटा और बड़ा हो सकता है, या तो यहाँ पे कलर पेज वगैरह और कलर सही से नहीं भी आ सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैंने ए टू जेड आप लोगों को बताऊंगा, और मेरा यहाँ पे भी ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ लेकिन मैंने इसको सॉल्व कर लिया। तो मैंने पिक्चर ट्यूब तो पुराना खोल लिया और नया मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो ये सेम जैसा कि पहले यहाँ पे पीसेट वाला एक योक कॉयल था, तो हमने भी पीसेट वाला ही एक योक कॉयल लाया। तो यहाँ पे पिक्चर ट्यूब तो सेम दिखने में लग रहा है लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारा प्रॉब्लम आया है। तो चलिए वीडियो देखते हैं और आगे हम बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जितना भी यहाँ पे ग्राउंड वायर और डिकोजिंग कॉयल वगैरह है वो मैंने अच्छे से लगा दिया। तो यहाँ पे डिकोजिंग कॉयल और ग्राउंड वायर लगाना जरूरी है, नया यहाँ पे तो पुराना पिक्चर ट्यूब है इसके साथ तो नहीं मिलता है, तो पुराना आपको लगाना पड़ेगा। तो मैंने अच्छे से यहाँ पे लगा दिया और बाकी हम इसको अच्छे से यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो एक काफी भारी चीज है तो आप धीरे से इसको लगाएंगे। तो यहाँ पे इसका जो योक कॉयल है वो थोड़ा सा दिखने में अलग है, जो पुराना और नया में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो लेकिन यहाँ पे इसी कारण यहाँ पे पिक्चर में भी थोड़ा सा डिफरेंस आया था। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे डिकोजिंग कॉयल और ग्राउंड वायर वगैरह मैंने सही से लगाया और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका जो भी चारों स्क्रू है उसको टाइट कर देना है, और यहाँ पे कुछ खास नहीं है। वैसे बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने जितना भी और भी पिक्चर ट्यूब चेंज किया हो बहुत बार यहाँ पे जो ब्रैकेट रहता है उसको लगाने के लिए जो यहाँ पे प्लास्टिक रहता है उसको काटना पड़ सकता है, लेकिन मेरा इस स्पेसिफिक टीवी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, अच्छे से प्लेस हो गया। लेकिन यहाँ पे पिक्चर के लिए थोड़ा सा हमको काम करना पड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर टू मेरा प्लेस हो चुका है और डिकोजिंग को मैं अच्छे से प्लेस कर रहा हूँ। और डिकोजिंग कॉयल नया अगर आप जैसे कि पुराना है तो अब अगर पिक्चर टू किट के साथ अलग एक पिक्चर टू लगा रहो तो यहाँ पे डिकोजिंग कॉयल का काफी ज्यादा काम रहता है। पहले इसका जो डीमैग्नेटाइज करेगा तो यहाँ पे ये काम करता है, अगर नहीं यहाँ पे डिकोजिंग कॉयल आप लगाओगे तो प्रॉब्लम आ सकता है। डिकोजिंग कॉयल यहाँ पे मस्ट है। तो हमारा जो इसके साथ बोर्ड था पहले तो इसको हम इसके साथ लगाएंगे। तो जैसा था वैसा ही आपको कनेक्शन कर देना है। यहाँ पे ईएसटी कैप वगैरह आपको सही से लगा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो ईएसटी कैप लगाने के बाद यहाँ पे जो भी ग्राउंड वायर यहाँ पे डिकोजिंग कॉयल का जो यहाँ पे वायर है वो सब कुछ हमको लगाना है, ठीक है। तो सही से आपको लगाना पड़ेगा और यहाँ पे ज्यादा काम नहीं है, तो जैसा था वैसा आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये योक कॉयल पीसेट वाला है और यहाँ पे कोई भी वायर नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे कुछ लिखा है हॉरिजॉन्टल प्लस हॉरिजॉन्टल माइनस, तो ये पुराना वाला इसके अंदर भी पीसेट वाला है। तो चलिए हम इसका जो भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे ढूंढते हैं मीटर के मदद से हम लोगों को दिखाऊंगा। वैसे आप यहाँ पे मार्किंग रहता है लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मार्किंग भी नहीं रहता। तो चलिए मैं यहाँ पे तो पहले आप मैंने चेक कर लिया कि यहाँ पे हाईएस्ट जो यहाँ पे वैल्यू दिखाएगा वही हमारा काम का होगा, लोएस्ट वैल्यू हमारा काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा लूप मिलता है जो कि कॉयल का आधा हिस्सा से यहाँ पे निकलता है, लेकिन हमको हाईएस्ट वैल्यू जो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाएगा उसको ही हमको लेना है। तो सबसे जो बड़ा वाला रेजिस्टेंस होगा, जिस कॉयल का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो वर्टिकल के लिए होगा, जिसका सबसे कम रेजिस्टेंस होगा उसको हमको कम मतलब ज्यादा में से सबसे कम, ठीक है। एकदम जीरो रेजिस्टेंस वाला तो वो तो काम में नहीं आएगा। यहाँ पे दो कॉयल रहता है
दो कॉयल आपको ढूंढना पड़ेगा, दो कॉयल में से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है, दो कॉयल सेपरेट रहता है, दो कॉयल में से ज्यादा रेजिस्टेंस वाला आपको कॉयल को ढूंढना है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मेरे को मिल गया, एक 12 के आसपास है और एक 4 के आसपास है, तो यहाँ पे हम इसको ही लगाएंगे, जो 12 वाला है वो हम वर्टिकल के लिए लगाएंगे और जो 4 वाला है वो हम हॉरिजॉन्टल के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से लगा दिया है और आप देख सकते हो यहाँ पे, वैसे यहाँ पे वायर का जो कनेक्शन है वो आपको घुमाना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पे पिक्चर उल्टा आ सकता है। तो आगे देखते हैं क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, उस हिसाब से आपको इसका वायर कनेक्शन घुमाना पड़ सकता है। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ लगा दिया, आगे हम इसका पिक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे ब्लू स्क्रीन आना चाहिए, तो यहाँ पे ब्लू स्क्रीन आ गया है, लेकिन यहाँ पे जो साइड का हिस्सा है वो थोड़ा सा टेढ़ा है और ऊपर नीचे भी टेढ़ा है और उसके साथ इसका पिक्चर भी छोटा है, लगभग 19-20 इंच का यहाँ पे पिक्चर दे रहा है, 19 इंच का यहाँ पे पिक्चर दे रहा है, उससे भी थोड़ा सा छोटा ही होगा, 17 इंच वगैरह होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और यहाँ पे उल्टा भी है, तो पिक्चर देखने लायक है। यहाँ पे कोई भी जो कलर शिफ्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बार यहाँ पे डिसकलर वगैरह हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कलर पैच वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने यहाँ पे जब छोटा देखा, उसके बाद मैंने पुराना पिक्चर ट्यूब के अंदर जो यहाँ पे योक कॉइल था उसको मैंने यहाँ पे लगाया, आप देख सकते हो। तो उसके बाद फुल स्क्रीन आ गया, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ रेड और ग्रीन यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको हमको ठीक कैसे करना है। वैसे ये धीरे धीरे टाइम के बाद टाइम ऐसा ठीक नहीं होता है, यहाँ पे आपको ठीक करना पड़ता है। तो ठीक करने का जो आसान तरीका मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो योक कॉइल है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ लाइए या तो अंदर की तरफ लाइए, तो मैंने जो देखा बाहर की तरफ आने से यहाँ पे और ज्यादा वो जो डिसकलर है रेड और ग्रीन ज्यादा बढ़ रहा था, ब्लू यहाँ पे कम रहा था। तो मैंने यहाँ पे जो रबर का हिस्सा था उसको मैंने खोल के और थोड़ा सा आगे पुश कर दिया, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा यहाँ पे पिक्चर आया है, जो ब्लू स्किन है वो कितना यहाँ पे आया है। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ये चला गया है, जो रेड और ग्रीन था ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है, ये जो थोड़ा सा हिस्सा रेड और ग्रीन है ये थोड़ी देर में चला जाएगा, क्योंकि ये जो डिकोजिंग का जो भी यहाँ पे पीटीसी रहता है वो गर्म हो चुका है, तो इसीलिए ये डीमैग्नेटाइज नहीं कर रहा है सेकेंड टाइम, तो ये बाद में जब नया स्टार्ट होगा तब ये डीमैग्नेटाइज करके हमारा ये जो ग्रीन और रेड है वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पिक्चर 2 सक्सेसफुली रिप्लेस हो चुका है और इसका पिक्चर भी सही है, यहाँ पे कोई भी डिफेक्ट नहीं है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना, और इससे रिलेटेड कोई भी आपको अगर जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाय।